सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। रिश्तों.com ऑर्गेनाइज करे रहा है रिश्तों मीट वर वधु सम्मेलन, पावर्ड बाय सपना लॉन्स एंड किशन केटरिंग सर्विस 365 डेज। द ग्रैंड गेट टुगेदर जिते जोड़ा मिलाने लाए न सिर्फ पेरेंट्स पर कैंडिडेट्स की अटेंडेंस पिण कंपलसरी आहे। अज जे अनोखे डिजिटल टेक्नोलॉजी के तरीके से जोड़न के रूबरू करायो वेंदो, तो जल्दी कयो ए हाणे ही कॉल करे पेंजी एंट्रीज बुक करा छड़ियो। पावर्ड बाय सपना लॉन्स एंड किशन केटरिंग सर्विस 365 डेज। रिश्तों मीट वर वधु सम्मेलन। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत तो गलत किसी ने थोप दिया, लेकिन बड़े बड़े अच्छे व्यक्ति भी जिन्हें वो नॉलेज होती है वो कभी इस प्रकार से नहीं। देखो मैं बताऊं, मेरे सामने हमारे पास 30 साल पहले एक सेशन जज थे, यंग लड़का, बड़ा अच्छा लड़का था। सैटरडे को आ जाते और व्याकरण पढ़ते, संडे को पढ़ते, मंडे को सुबह पढ़ते, फिर ड्यूटी पे जाते। सेशन जज थे, बड़े अच्छे परिवार के थे, उनके बड़े ब्रदर आईजी थे। करीब 1.5 साल वहां आसपास हम लोग रहते रहे, तो वो आते ही रहे। और बाद में हम चार धाम की यात्रा गए, तो उत्तरकाशी गए, तो देखा आगे से वो खपर लिए हुए भिक्षा के लिए जा रहे। हमें देख करके आ गए, प्रणाम किया। मैंने कहा भाई तुम कहाँ? कहते महाराज 2.5 साल से मैंने छोड़ दिया परिवार। एक सेशन जज बहुत, मतलब कि अच्छा, एक्टिव जो है, ये नहीं कि डल, बहुत मतलब कि एजुकेटेड और बड़ा एक विवेकी योग्य पुरुष। मैंने सोचा कि चलो निकल आए तो इन्हें रहते कहां हो, गंगा के किनारे हम कुटिया बनाकर रहता हूं। मैंने कहा कुटिया में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इतने सुखी परिवार का है। मैंने उनसे कहा कि मैं एक महात्मा है हमारे यहां पर, अपने प्रेमी हैं, उनसे कहता हूं एक कमरा आपको दिलाता हूं, वहां रहो, गंगा जी भजन पाठ करो। एकदम इनकार कर गए। इनकार करके, स्वामी जी आप जानते हो मेरे घर में कोई सुख की कमी थी, कमरे में नहीं रहूंगा, गंगा के तट पर ही रहूंगा और कुटिया बनाकर ही रहूंगा। मुझे बड़ा आनंद यहां पर, ऐसा अनुभव, ऐसी फीलिंग। स्पष्ट इनकार करके भिक्षा करके चार घरों में बस आकर आज यहाँ पर रीजेंसी एंटीलिया के अंदर हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी विमल कार जोन, जिनका चलता है अनिल आहूजा जी, जो हमारे स्टेट बैंक के रोड के पंचायत के भी अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी हैं, उनका एंटीलिया में गृह प्रवेश का कार्यक्रम है। और ऐसे सुंदर मौके पर, गृह प्रवेश के कार्यक्रम पर परम श्रद्धेय विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, महामंडलेश्वर जी, उनका सत्संग कार्यक्रम इन्होंने यहाँ पर रखा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर संत समागम लगा हुआ है, कई साधुजन, संतजन, पूरे लोग, पब्लिक यहाँ पर आई है सत्संग सुनने के लिए। हजारों की संख्या में लोग सत्संग सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे मौक़ों पर इस प्रकार हरी कथा करा के और
अन्य लोगों को भी उसका लाभ दिलाकर भोजन की व्यवस्था रख करके इन्होंने बहुत ही एक सराहनीय कार्य किया है। जब भी हम एक अच्छा कार्य करते हैं, हमारा घर गृह प्रवेश हो, हमारा जन्म उत्सव हो या हमारे घर में अन्य कोई कार्यक्रम हो, तो ऐसे संतों के द्वारा उनका प्रवचन रख करके उनको अपने घर में बुलाकर और अपने सभी मेहमानों को, अपने दोस्तों को, परिवारजनों को बुलाकर एक जगह पर एकत्रित करके कथा का श्रवण कराकर और भोजन का ग्रहण करा करके जो यह कार्य किया है वह वाकई सराहनीय है। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके परिवार को, कमल आहूजा जी इनके भाई हैं, अनिल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनकी पूरी टीम जो यहाँ काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी, कई कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, उन्होंने सत्संग सुना है, गुरु जी का आशीर्वाद लिया है और गुरु जी ने भी अपने सत्संग में यही कहा कि सबसे पहले अपने देश, अपने भारत वर्ष के प्रति, अपने देश के प्रति हमें वफादार बनना है कि यह देश किस प्रकार आगे बढ़े, उसके बाद हमें अपने समाज के प्रति आगे बढ़ना है और उसके बाद स्वयं के प्रति, अंतिम हमारा लक्ष्य जो है स्वयं है। तो मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ गुरुजी को और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।